सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सुरेन्द्र चंद्र सुरावण्य पुरोगमसा कात्यायनी दुष्ट भूरिष्ठ लावत विकाश भक्त्राज विकाशिताशा देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मात जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं परमेश्वरि देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपा स्थितया चलेतत् आप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्य त्वं वैष्णवीशक्तिरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं धर्मासि सम्माहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वे प्रसन्ना भुविमुक्तिहेतुः विद्या समस्ता सवदेवि वेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु वये गया पूरितमम्बयेतत् का ते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभूता जदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुधा सुदय का वा भवन् सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिने विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवि नारायणि नमस्तुते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्बाकरिके देवि नारायणि नमस्तुते त्रिशूलचन्द्रायितरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमस्तुते
मयूर कुक्कुर विद महाशक्ति धरण गे कौमारी रूप संस्थान नारायणी नमोस्तुते शंख चक्र गदाचारंग परमा जुदे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते चक्र दृतवसुंदर वराहरूपिणी शिवे नारायणि नमस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यप्राणसहिते नारायणि नमस्तुते किरीटनि महावज्र सहस्रनयनोज्वले वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणि नमस्तुते शिवदूतीश्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमस्तुते दशाकरालभजने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमस्तुते लक्ष्मीरजे महाविद्ये शद्ये पुष्टिस्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमस्तुते मेहे सरस्वतीवरे भूतिभाव्रविदामधि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतेभ्यः कात्यायनि नमस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरशोधनं त्रिशूलम्बातु नो वेदभद्रकाले नमस्तुते हिणस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यराजगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुदानिव असुरा शृग्वसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नतावय रोगान् शेषान्नपहंसि दुष्टा रुष्टातु कामान् सकलानमिष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतात्कृतायात्कदनन्त्रयाद्य धर्मान् द्विषां देवि महासुराणाम् रूपैरनेकैर्बहुदात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु च कात्वदन्या ममार्चगरतेति महान्धकारे विभ्रामयत्य तदीव विश्वं रक्षांसि यत्राग्रविशासनागा यत्रारयोदस्य बलानि यत्र धावानलोयत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिभासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिभासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाय त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोर्वीरे नित्यं यथा सर्वदा धजुनेव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्नयाच उत्पादपाकजनितांश्च मोहोपसर्गान्
गणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वार्तिहारणे त्रैलोक्यवासिनामीर्य लोकानां वरदा भव। देव्यो वाच वरदाहं सुरगणां वरं जनमनसे च तं ऋणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकार। भूत्वत्सेते महासुर नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव ततस्तौ नाथयच्छामि विन्ध्याचलनिवासने पुनरप्यतिरोगेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्यानिष्यामि व्यप्रचित्तान् सुदानवान् वक्ष्यन्त्या च तानुग्रहं व्यप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढिमेकुशपोपमः ततो मां देवताः स्वर्गमर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सदनं रक्तदन्तिकां भूय च चतवाचक्या अनावृष्ट्यामणं वदे मुनिभिः संस्कृता भूमौ सम्भविष्यामि जोनिजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मणे चेतयच्छन्ति मनुजा शताक्षेमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेह समुद्भवे भविष्यामि सुराशाके आवृष्टे प्राणधारके शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्यामहं भवे तत्रैव वदिष्यामि दुर्गमाख्या महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षासि वक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे स्वश्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्पश्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधादानवत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसञ्चया। इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पसारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ॐ विद्युद्गाम समप्रभा मृगपते स्कन्धस्थितामीषणां कन्या विकरवालकेतविलसत् हस्ता विरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाधिकेतविशिखाश् चापङ्गुणान्तर्जने विभ्राणामणलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्योवाच एवेत्थवेश मां नित्यं श्रोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां वारां नाशयिच्छामि सञ्जयम् मधुकैलवनाशं च महिषासुरघातनं केतयच्छन्ति ये तव बलं शुम्भन शुम्भयोः
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकते तथा शोचन्ति जय जय भक्त्या मम महात्म्योत्तमम् न तेषां दुःखितं किञ्चित् दुःखितोत्था न च पदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेष्टभिजोजनम् शत्रुतो न वयं तस्य दस्यतो वा न राजतः न शब्दानुतो योगा कदाचित् सम्भविष्यते तस्मान् ममेतन्नात्मं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च तदा भक्त्या परं स्वस्तयणमेतत् उपसर्गान् चेशान्तो महामारे समुद्धवान् तदाप्तिविलमुत्पादमाहात्म्यं च यन्मम यत्र तत्पद्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदानां तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चायं श्राव्यमेव च जानता जानता वामि बलिपूजां तदा कृतम् प्रतिचिच्यामृत्यावण्यं तदा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते जातवार्षिके कस्यां ममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाबाधाभिनिर्भक्तो धनधान्यसुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं सदा च त्वत्या शिवाः पराक्रमं च यद्वेषो जायते निर्वयः पुमान् रिपवः संशयजान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसमाहात्म्यम् शृण्वताम् शान्ति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडादृशोग्रादो माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः च मन्यन्ति ग्रहपीडा च दारुणाः दुःस्वप्नं च निवर्दिष्टं स्वस्वप्नम् उपजायते बालग्रह विभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घानभेदेचनीनां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणामलहानिकरं परं रक्षो भवभिजातानां पठनादेवनाशनं सर्वमवेदन्नाप्यं मम सन्निर्कारकं वजोपुष्पाग्रजोपेश कन्दलेपे सदत्तमे विप्राणां भोजने रोमे प्रोक्षणीयरानिशम् अन्ये च विविले भोगे प्रदाने वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते चाप्ये चक्रे सुचरिते सुते शुदं हरति पापानि तथा दौक्यं रक्षते रक्षां करोति भक्तेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे सुचरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिवारण कस्मिंश्चिदे लिखितं वयं पुंसा न जायते युष्माभिश्च ब्रह्म शिवे कृता ब्रह्मणा च कृतास्तत्र प्रयच्छन्ति शुभामति अरण्ये प्रान्तरेवापि दावामि परिवारितः दशविरावृता शून्य कृतोपापि शत्रुवे सिंहव्याघ्राणु यातो वा वने वा वनहस्तवे राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो भद्यो बन्धगतोऽपि वा आघूणितो वा भावेन स्थितः पोते महानवे पदजोषापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषधारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाव्यर्थितोऽपि वा समन्मवे तच्चरितं नरो मुच्येत सङ्गणात् मम प्रभावा सिंहाद्य दस्यो वो वैरणस्तदा दूरादेव पलायन्ते स्मरत्तच्चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत देवि देवानिरातङ्कः स्वाधिकाराञ्जता पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनेतार्य दैत्याचरेभ्यो नियते शुम्भे देवर्यो यदि यगविद्वंसमी तस्मिन्नग्रे तुलविक्रमे विशुम्भे महावीर्य शेषः पातालमाययो एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्
तन्मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सजाचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तये तत्सकलं ब्रह्म धर्मणजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टिर्भवत्यया स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने बलकाले नृणां सेवा लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदाग्रे सेवा भावे तदा लक्ष्मीर्विनाशाय उपजायते सुदासम्भोजिता पुष्पे धूपगन्धादिभिस्तदा ददातिभित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं च वा अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रं शिवोवाच शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तम येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत् नाकवचं नार्गलस्तोत्रं कीलकं नारहस्यकम् न दुःखं नापि ज्ञानं च नान्यतो न च वाचनं कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अधिगुह्यतरं देवी देवानामभिदुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन त्वयो नीरव पार्वती मारणं वाहनं वर्षं सम्पणाचारणादिकं पाठमात्रेण संसृत्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तम ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच ॐ ग्लौं हौं क्लीं जौं सः ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच ज्वलहं सरलं च फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुवर्धने नमः कैटवहारिण्ये नमस्ते महिषादने नमस्ते जम्बहन्ते च निजम्भासुरघातने जाग्रत हे महादेवी जपं सिद्धिं करुष्व मे एकारि सृष्टिरूपाय हरिकारि प्रतिपालिका क्लीङ्कारि कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाते च एकारि वरदायने नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे भां मे भं नलयरेहपतने भां मे भं भागदीश्वरे क्रां क्रीं क्रों कालिका देवे शां श्रीं श्रों मे शुभं गुरु हं हं हङ्काररूपिणे जं 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 भराजने भ्रां ह्रीं भ्रों भैरवीवच भवानेते नमो नमः अङ्कं चण्टं तं पञ्चं षं भीं धुं ऐं भीं हं षं द्विजाग्रं द्विजाग्रं द्रोढ द्रोढ जीर्तं कुरु कुरु स्वाहा त्वां भीं भुं पार्वतीपूर्णा तां क्रीं क्रों केसरी तदा सां श्रीं सौं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं करुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेव दातव्यं गोपिदं रक्ष पार्वते यस्तु कुञ्जिकया देवी येनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिः अरण्ये रोदनायता श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेदव्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय पुराण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आपदुद्धारा सुगम नमस्ते शरण्य शिवेशानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणीत्राय दुर्गे नमस्ते
नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे नमस्ते जगत तारिणी चय दुर्गे अनाथ शरीर जनातर से सने का गते ने विस्तार करते नमस्ते जगत्तार नित्राय दुर्गे अरण्य रने दारुने सत्तनर्जे जले संकते राजगे प्रभाते सने का गते जगत्तारे नेत्राय दुर्गे अपारे महादुष्करे चंद्रगोरे विपत्सागरे वज्रदंडे अवाजा समेता गदिरे निस्तार नौका नमस्ते जगत्तारे Yeah.
सरस्वती वंदना रवेलो पिता हरे Jana Vishnu Raja
अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पदों में स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार, ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी जयकारा शेरा वाली जी दा। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। और जो वश में पूर्ण होती है वर्ण भक्ति भक्ति में श्रद्धा विश्वास एवं एकाग्रचित्ती हो। ये यथा माम प्रबद्यन्ते तांस्तथे भजाम्य हम, मुझको जिस प्रकार भजता है मैं उसको वैसा ही प्राप्त होता हूँ। अर्थात जैसी जैसी मनोकामना भक्त ज्ञान माता जी के दरबार में श्रद्धा पूर्व लेके आते हैं वे वश में पूर्ण होती है। एवं अनन्याश्च चिन्तयन्तु माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। और जो भक्तजन अनन्य भाव से, अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करते हैं उनका योग खेम भी मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्री कृष्ण गीता में दृष्टि रहे हैं। स्वयं माता जी ने भी इन्हीं पद में स्तोत्रों में जिनका आपने श्रवण किया, पाठ किया, अपने महात्म को प्रकट करते हुए कहा हुआ है। उपसर्गान शेषांशु महामारी समुद्भवान तथा तिहृत मुत्पाद महात्म शमयन्मन।
माता जी कह रही हैं कि मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। यते तत्पठ्य ते सम्यक नित्य मायतने मम सदा तद्विमोक्षामि सान्निध्यम तत्र मे स्थितम। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्मा का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती, अर्थात वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। विशेष करके बलि प्रदाने पूजायाम अग्नि कार्य महोत्सवे सर्वमे तत्म उच्चारम शाबमेव बलिदान पूजा होम तथा महोत्सव के अवसर पर मेरे चित्त का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर जानता जानता वा भी बलि पूजाम तथा कृताम प्रतिशिक्षाम्यहम पीत्यावर्णी होमम तथा कृतम। मनुष्य विधि को जानकर बिना जाने भी मेरे लिए जो बड़ी पूजा होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। विशेष रूप से शरद काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी तस्यान ममेतन महात्म शुद्धता भक्ति स्वर्णिता सर्वावाधार विदर मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को विधि पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त था धन धान एवं पुत्र से संपन्न होगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। इसलिए सभी को श्रद्धा पूर्वक माता जी के विशेष करके इस अध्याय का पाठ अथवा श्रवण अवश्य करना चाहिए। सचियां जोतां वाली माता जयकारा शेरां वाली जी दा ओम। ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भगवती सा वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छति। विभक्ति महामाया देवी ज्ञानों के चित्त को बलपूर्वक खींच कर मोह में डाल देती हैं। हम भक्तों की बात ही क्या है, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी मोह में पड़ करके संसार में पुनः पुनः चक्कर काटा करते हैं। एक बार स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए श्वेत द्वीप में जाकर के 10,000 वर्ष तक तप किया। इसी प्रकार मोह की निवृत्ति के लिए दूसरे स्थान पर ब्रह्मा जी भी आराधना कर रहे थे। थोड़े समय के पश्चात वो उठे और दूसरे स्थान को जाने के लिए उद्यत हुए। दोनों रास्ते मिलते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं चतुर्मुख रूपधारी सृष्टि का सेन करता ब्रह्मा हूँ। महाराज आप कौन हैं? विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं सृष्टि का पालन करता सत्यगुण संपन्न विष्णु हूँ। आप तो रजोगुण संपन्न हैं, मैं सत्यगुण संपन्न हूँ। और जब मधु और कैटव आपका वध करने का उद्योग कर रहे थे तब मैंने ही 5,000 वर्ष तक उनके साथ युद्ध करके आपकी रक्षा की थी, आप क्यों अभिमान करती हो? इसलिए अपने आप को बड़ा बताने के लिए उनके नेत्र रक्तवर्ण होंगे, होंठ कांपने लगे और वो उनमें वाक युद्ध होने लगा, मैं बड़ा हूँ। इस ऐसा देख करके जब उनमें ऐसा वाक युद्ध हो रहा था तो एक श्वेत महालिंग उनके सामने प्रकट हो गया और आकाशवाणी हुई कि आप आपस में झगड़ते क्यों हो? आप दोनों में से जो इसके ऊपर तथा नीचे का पता लगाएगा वही वास्तव में श्रेष्ठ माना जाएगा और इसके लिए आपको एक मध्यस्थ करना कर लेना चाहिए। स्वयं भगवान विष्णु उस जो श्वेत लिंग को नापने के लिए पाताल की तरफ गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए। विष्णु जाते जाते थक गए परंतु पाताल का पता नहीं लगा पाए और वहीं अपने स्थान पर आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर तो नहीं पहुँच पाए परंतु शिव जी के मस्तक से गिरा हुआ केज का फूल था उसको लाकर के अभिमान पूर्वक विष्णु से कहने लगे कि मैं इस शिवलिंग के ऊपर तक गया था और पहचान के रूप में इस केतकी के फूल को लाया हूँ। परंतु विष्णु कहने लगे कि इसका साक्षी कौन हो सकता है, कोई सत्य वक्ता पुरुष होना चाहिए जो ये बताए कि आप ऊपर तक गए थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इतने दूर से कौन आएगा, स्वयं केतकी ही आपको बता देगी कि मैं ऊपर तक गया था। उसने केती ने कहा कि भगवान विष्णु जी आपको इसमें संदेह नहीं करने चाहिए, ब्रह्मा जी ऊपर तक गए थे और वहाँ शिवलिंग पर चढ़े हुए मुझको वहाँ से ले आए हैं। परंतु विष्णु ने कहा कि मेरे लिए महादेव जी साक्षी हैं, यदि वो ऐसा कह देते हैं कि आप ऊपर तक गए थे तो मैं सत्य मान लूंगा। उस समय महादेव ने प्रकट होकर कहा कि असत्य भाषणी केतकी तूने झूठ बोला है, ब्रह्मा जी मेरे शीश तक तो पहुंचे नहीं परंतु मेरे शीश से गिरे हुए तुझको ले आए हैं, इसे तूने झूठ बोला है और मैंने आज से तेरा त्याग कर दिया है, आज से तू मेरे शीश के ऊपर नहीं चढ़ेगी। तभी से केतकी का फूल शंकर जी शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ता है। उसमें ब्रह्मा जी लज्जित हुए और विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े। कहने का तात्पर्य है कि जब देवता भी ऐसा करते हैं तो हम में यदि मोह हो जाए, जब माया घेर ले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु भी जो लक्ष्मी का साथ छोड़ करके गरुड़ पर बैठ करके राक्षस का युद्ध करते हैं, जब इनमें भी माया अपना प्रभाव डालती है तो हम भी प्रभावित अवश्य होंगे। इसलिए कि हम मोहित ना हों
माया के प्रभाव ना पड़े, हमें इन्हीं महामाया की शरण में जो इस दिव्य गुफा में आदिकाल से त्रिशक्ति के रूप में विद्यमान होती ही आपको शक्ति ऐश्वर्य एवं ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। ये तीनों महाशक्तियां आदिकाल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल यहीं विराजमान है, अन्यत्र समस्त रूप में इनके दर्शन दुर्लभ हैं। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज द्वितीय गुप्त नवरात्र में माता जी के चरणों में इन तीनों महाशक्तियों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन गुप्त नवरात्रों में भक्तजन दस महाविद्याओं की आराधना करते हैं, तंत्र साधना करते हैं और आज द्वितीय जो शक्ति है वो तारा देवी की आराधना करते हैं। इनके आराधना से भक्तजन जो विद्या को प्राप्त करते हैं, अर्थात साधारण मनुष्य जो है वो बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है, उसको भोक्ता मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसकी सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। इसलिए आप सभी सौभाग्यशाली हैं। इन्हीं तीनों यही तीनों महाशक्तियां जो हैं जड़ मूल से एक हैं, उपरा के तीन स्वरूप हैं और इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार प्राकृत रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और सात्य महाराज या वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे काली काल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है। विशेष करके नवरात्रों में गुप्त नवरात्रों में आपको निवारण मंत्र का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। श्रीमद देवी भागवत का पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ तथा जो भक्त जन अपनी तंत्र साधना में तत्पर हैं उनको भी अपने जो तंत्र मंत्रों द्वारा आराधना करनी चाहिए। यदि हम ओम ऐं ह्रीं क्लीं ये निवारण मंत्र है, तंत्र साधना में ओम का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ऐसा भी जाप किया जाता है। आइए इसी निवारण मंत्र का जाप माता जी चरणों बैठे हुए हम सभी भक्तगण तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये 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 विच्चे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जीदा गोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नानोपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले, क्योंकि इनमें से एक की न्यूनता होने से हमारी गृहस्थी ठीक प्रकार से नहीं चल पाती। केवल हमारे पास धन ही है, विद्या नहीं है तो हम बुद्धि के बिना जान नहीं पाएंगे कि धन को कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, अर्थात करोड़ों की फिजूल खर्ची होगी, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि धन का उपार्जन किस प्रकार करना है। और केवल बुद्धि है तो धन नहीं है तो पांडित्यम नहीं शोभते, तो बिना लक्ष्मी पंडिताए भी लक्ष्मी शोभाड़ी देती, भले ही पुरुष कितना विद्वान हो यदि उसका भी वेशभूषा अच्छा नहीं है तो विशेष करके कली काल में उसका आदर सम्मान नहीं होता और शक्ति बिना दोनों वस्तु में मेला दुर्लभ है। अतः ये तीनों शक्तियां हमें स्वतः प्राप्त हों, हमें कली काल में विशेष उद्धार करने वाले इस निवारण मंत्र का जाप उच्चारण अवश्य करना चाहिए। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तगण उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मणिन्द्र जी से, अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिन्द्र। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। मैनू चरनी लगा ले हे दाती, चरनी लगा ले हे दाती, ओ मैनू चरनी लगा ले हे दाती, ओ मैनू चरनी लगा ले हे दाती, ओ मैनू गल नल ला 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 ले हे दाती। मैं तेरा दर छड़ना नहीं, तेरा दर छड़ना नहीं, मैं तेरा दर
लाल लाल हे दाती मैनू गल लाल लाल हे दाती मैनू गल लाल लाल हे दाती मैनू गल लाल लाल हे दाती मैं तेरा दर छड़ना नहीं 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 मैनू अपना बना लै हे दाती मैनू चरनी लगा लै मैनू चरनी लगा लै हे दाती मैनू चरनी लगा लै हे दाती मैनू गल नल ला 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 लै ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੇ ਦਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੇ ਦਾਤੀ ਹਾਂ ਹਾਂ
तद करी बचर दे दातिए मनाम तेरे रंग बिच रंगना तेरे हाथ होवे होर नहीं हो मंगना तेरे हाथ होवे होर नहीं हो मंगना तेरे हाथ होवे होर नहीं हो मंगना दातिए मनाम तेरे रंग बिच रंगना तेरे हाथ होवे होर नहीं हो मंगना तेरे हाथ होवे होर टुट गया सारा जीवें अपरा चो तारा ला दे पार दिए कोई लगी नाराई तेरा ही सहारा मैनू पवन तेरा करते वादार दिए शेरा वाली मां मेरी जोता वाली ਸਾਦੀ ਕਰੀ ਬਚੜ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਗੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਵਨ ਤੇਰਾ ਸੱਤਵਾ ਦਾਰ ਦਾਦੀਏ ਪਵਨ वाली माँ मेरी जोता वाली माँ तेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी इस बचर देशा पवन च रख कर देवी उपकार माँ अख चो ना हंजू आवे के ना देवी प्यार माँ अख चो ना हंजू आवे ਦੇਵੀ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਅੱਖ ਚ ਨਹੰਜੂ ਆਵੇ ਨਾ ਦੇਵੀ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਪਵਨ ਚ ਰੱਖ ਕਰ ਦੇਵੀ ਉਪਕਾਰ ਮਾਂ ਅੱਖ ਚ ਨਹੰਜੂ ਆਵੇ ਨਾ ਦੇਵੀ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਅੱਖ ਚ ਨਹੰਜੂ ਆਵੇ ਨਾ ਦੇਵੀ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਅੱਖ ਚ ਨਹੰਜੂ ਆਵੇ ਨਾ ਦੇਵੀ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਜਗ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਮਾਏ ਵੇਖਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਜਾ ਦੁਆਰ ਦਾਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਵਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਦਾਰ ਦਾਤੀਏ ਪਵਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਦਾਰ ਦਾਤੀਏ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਰੀ ਬਚੜ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਵਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਦਾਰ ਦਾਤੀਏ ਪਵਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਦਾਰ ਦਾਤੀਏ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਕਰੀ ਬਚੜ ਦੇ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਦੇ ਓੜੀ ਕਮਾਏ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕਰਕੇ ਓੜੀ ਕਮਾਏ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕਰਕੇ ਓੜੀ ਕਮਾਏ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਦੇ ਓੜੀ ਕਮਾਏ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕਰਕੇ ਓੜੀ ਕਮਾਏ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕਰਕੇ ਓੜੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਨਵੀ ਕਰ ਦਾਤੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਵਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਦਾਰ ਦਾਤੀਏ ਓ ਪਵਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਦਾਰ ਦਾਤੀਏ ਓ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋਤਾਂ
भगत मुझे सारे मिले हो तेरे सेवक भगत मुझे सारे मिले रंजन पाके मुझे सब प्यारे लगे हो रंजन पाके मुझे सब प्यारे लगे तेरे सेवक भगत मुझे सारे मिले तेरे सेवक भगत मुझे सारे मिले रंजन पाके मुझे सब प्यारे लगे हो दर्शन पाके मुझे सब प्यारे लगे पाप जाखू दिया मेरा धर के दिया मेरी बीच भमर बोले नहीं दर्श जिखा शक्ति रूपां कामेश्वरीं हृभजामि धितेन्दुलेखा सच्चिया ज्योतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज गुप्त नातों में माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धदान् पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ यज्ञैः दितेन त्वं तन्नो वर्धयस्य सत्याः सन्तु जजमानस्य कामः मन्त्रार्थाः सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव शीर्वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, अब धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया ज्योता वाली माँ तेरी सदा ही जय करा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियाँ उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ की आरती है, सभी बोलेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा
तुम्हें राजत गोरी रतन जो ओम जय
पावत हरि ब्रह्मा ओम जय अम्बे सचियां जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेर वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं, वे इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी की आरती होगी, आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना, प्रेम से बोलो के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय याद करे, तृतीय स्मरण शारदा, मेरे कार्य करो हमेशा जय मां, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं आठ पहर सौ तक गणे, यो चरणा ध्यान रे मा।
खड़गम चक्र गदेशु चाप बलिगा चोलम शुंडिं चरा शंखम दंडद दिंगरे सिनायना सर्वांग भूषाभिता नीला शंद दिमास पावन दशका सेवे महाकालिका या मस्तो सुभिते हरो कमलयो हंतम मधुम केतवम अक्षरशुंगलेशुपुलिशं परमंडलकुण्डिका दण्डं शक्तिमभिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूरं वाजसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नानना सेवे सेवमर्दनीं महा लक्ष्मीं सरोजस्थिता घण्टा शूलहलानि शङ्खमुचले चक्रं धनुसायकम् हस्ता द्वेगरतिङ्गणान्तविरसन् श्वेताशुतुल्यप्रभा नोरी देहसमुद्भवां त्रिजगता आधारभूता मह पूर्वा मन्त्रसरस्वती मनुभजे शुम्भादिरत्यादि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यारम्यं वन्दे विष्णुमहोदयं सर्वलोकेशनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं केशवाभोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं वाल्मीकिनायकं श्रीरामचन्द्रं वन्दे हरे मुरारे मधुकेतवारे गोविन्द गोपालमूर्तं किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि भगवन् नमोऽस्तु ते हे माई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा हि जय पंच पुनारानी माता तेरी सदा हि सर्व सदा भला करने वाली माता तेरी सदा हि सारे संसार विश्रांति देने वाली माता तेरी सदा हि गुनाह माफ करने वाली माता तेरी सदा हि लोमड़ा वीर नागो तेरी सदा हि बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारत वर्ष भारत हो भारत वर्ष भारत हो भारत वर्ष भारत हो बोलो हर 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 महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जयकारा माँ शेरावाली दा बोलो आप सभी भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो बोलो सच्चे दरबार की।